राफेल डील में घोटाले के आरोपों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कांग्रेस के दावों को हवा हवाई करार दिया और कांग्रेस के पास राफेल डील से जुड़े कोई पुख्ता सबूत नहीं होने का दावा कर दिया। पूरा तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने मित्रों चुकादा दिया, इसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी को सदन में सारे सबूत पेश करने की चुनौती दे दी। अगर राहुल गांधी में थोड़ी सी नैतिकता है और हिम्मत है तो सबूत के साथ सदन के अंदर रखें। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए एचएएल के लोन पर भी सवाल खड़े कर दिए कि 1,000 करोड़ रुपया कल ही क्यों एचएएल ने लोन लिया है अगर उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, और रक्षा मंत्री ने क्यों उसकी शिकायत की, रक्षा मंत्री ही डिमीन कर रही है एचएएल को। हालांकि लोन को लेकर उठे विवाद के बाद एचएएल की तरफ से भी एक ट्वीट कर मामले को शांत करने की कोशिश की गई। अपने ट्वीट में एचएएल ने दावा किया कि 83 हल्के लड़ाकू विमान और 15 लड़ाकू विमान का ऑर्डर अंतिम चरण में है, जिससे संस्थान की वित्तीय स्थितियों के भी जल्द बेहतर होने की उम्मीद है। संस्थान में मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए 962 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। इंदौर में गुरु गोविंद सिंह महाराज के 352वें प्रकाश पर्व के मौके पर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी नगर कीर्तन में शामिल हुए। उन्होंने पालकी और पंच प्यारे पर मत्था भी टेका और पालकी साहिब के आगे नंगे पैर झाड़ू लगाए। नगर कीर्तन टॉवर चौराहे से तोपखाना गुरुद्वारे तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल सरकार पर अक्सर तीखे हमले करने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ की। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को पीएम पद का उम्मीदवार बताया और कहा कि ममता बनर्जी में देश की पहली बंगाली पीएम बनने की अच्छी संभावनाएं हैं। তারপরে হবে তো ওনার চান্স ফার্স্ট আছে আমরা যদি বাবুকে একটু যেন ফসকেছি ওনার পার্টি হতে দাইনি প্রধানমন্ত্রী সেই জন্য লিস্টে ওনার নামই এক নম্বরে আছে। दिलीप घोष के बयान पर समाजवादी पार्टी ने चुटकी ली। भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के जो चीफ हैं, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने दिलीप घोष के बयान पर सफाई देते हुए दावा किया कि देश के अगले पीएम नरेंद्र मोदी ही होंगे। उनका कहने का ध्येय एकदम ये नहीं था कि इस चुनाव में वो कोई पीएम की बात कर रहे हैं, वो तो टीएमसी वालों पर उन्होंने कटाक्ष किया था। केदारनाथ में 40 घंटे से ज्यादा समय से बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में साल की पहली बर्फबारी बीते 40 घंटे से जारी है, जिसकी वजह से आसपास 4 फीट तक बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है। चेन्नई में आयोजित 5वें तमिलनाडु इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल में भारी संख्या में लोग जुटे और हॉट एयर बलून की सवारी की। यूपी के सहारनपुर में चोरी की वारदात में शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ की गोमती नगर में लोहिया पार्क के पास अचानक आग लगने से बस में फंसे लोगों को दमकल कर्मियों ने समय रहते पहुंचकर बचा लिया। एमपी के मंडला जिले में वन विभाग की टीम ने चीतल की शिकार के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी के बड़वानी जिले में पुलिस ने नेशनल हाईवे 3 पर 1200 से ज्यादा शराब की पेटियों को ले जा रहे ट्रक को पुलिस ने जब्त किया। मेघालय में अवैध कोयला खदान में फंसे 13 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यूपी के कानपुर में पुलिस ने पैसे लेकर दूसरे के नाम पर परीक्षा देने वाले गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दुनिया भर में मशहूर पश्मीना शॉल की नकल रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। श्रीनगर में कारोबारी नकली पश्मीना से परेशान, इसलिए असली पश्मीना शॉल बनाने वाले कारीगर इन पर खास तरह के टैग लगा रहे हैं। यानी जब तक शॉल पर यह टैग नहीं होगा इसे असली पश्मीना नहीं माना जाएगा। लेकिन इस टैग की जानकारी अब दुनिया भर में पश्मीना शॉल खरीदने वाले लोगों तक पहुंचाना एक चुनौती है। अगर एडवर्टाइजमेंट हो जाती नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर तो कस्टमर को पूरी तरह से पता चल जाता कि असली शॉल असली पश्मीना शॉल है क्या। पश्मीना शॉल बनाने वाले इन कारीगरों ने दावा किया कि मशीनों की मदद से बनाई जाने वाली शॉल की वजह से उनका रोजगार काफी कम हो गया। जो स्पिनिंग करती है लेडीज, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो पहले क्या करती थी, इसी से अपने बच्चे को पढ़ाती थी, अपना घर चलाती थी, लेकिन आज उसके पास रोजगार ही छिन गया। पश्मीना शॉल हाथों से बनाई जाती है, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां मशीनों से शॉल बनाती जो कम कीमत पर बेची जाती, लेकिन वो असली पश्मीना नहीं होती।
इसलिए अब सरकार ने असली पश्मीना की पहचान जीआई टैग से करने का फैसला लिया है। जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उन चीजों पर लगाया जाता है जिसकी शुरुआत किसी खास जगह पर ही हुई हो। यानी पश्मीना पर श्रीनगर में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में ही पश्मीना बनाए जाने की शुरुआत हुई थी। केवल ये टैग मिलने भर से ही जम्मू कश्मीर के पश्मीना बनाने वाले कारीगरों का काम फिर गुलजार होने की उम्मीद जगी। जीआई टैग के लिए राज्य सरकार के आवेदन के बाद केंद्र सरकार उससे जुड़ी जांच करती है और जांच में दावा सही पाए जाने के बाद जीआई टैग जारी किया जाता है। हालांकि ये साफ नहीं है कि नकली पश्मीना बनाने वाले लोग भी अगर इस टैग को शॉल पर चिपकाने लगेंगे तो उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हाथियों का आतंक जारी है। देवनगर में एक हाथी ने महिला को कुचल कर मार डाला, जबकि दो दिन पहले भी हाथियों ने दो लोगों की जान ली। वहीं हाथियों के हमले से एक लड़का घायल हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि इन सब के बावजूद इस तरह की घटना को रोकने के लिए वन विभाग या सरकार की ओर से कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए।